गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अमरदीप कुमार फ्रॉम गेटवे स्कूल एज ए कंप्यूटर टीचर। आज जो हम टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि क्या कौन से क्लास 6 का ये फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं किन किन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा सब टॉपिक्स है, दैट आर द इंट्रोडक्शन एज वेल एज द सॉफ्टवेयर एंड द टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। इन चार तीन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं अबाउट द कंप्यूटर। कंप्यूटर आज हमारा जो लाइफ स्टाइल कैसे चेंज कर रहा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रोल्स इन ऑफ द कंप्यूटर इन आवर डे टू डे लाइफ। क्या क्या हमारे जो डे टू डे लाइफ में है वो कंप्यूटर का क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या कैसे कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल एज वेल एज सिग्निफिकेंट हो गया है। तो एक इंट्रोडक्शन के ऊपर हम ओवरव्यू करते हैं। इन द पास्ट टू डेकेड्स, पिछले दो डेकेड्स में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। कंप्यूटर हैव रिसीव आवर लाइफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी जगह अगर आप देखते हैं तो जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको रीशेप कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है हमारे लाइफ स्टाइल में। वेदर या तो हम कहीं वेदर इट इज एट द होम, वर्क या स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की अगर हम बात करें, या तो घर की बात हो या वर्क से जहाँ आप काम करते हो, या फिर आपका स्कूल हो या फिर हॉस्पिटल हो, इन सभी जगह पे जो है ना देयर हैज बीन एनॉर्मस इंक्रीजिंग इन द यूजेज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो आज यूजेज है वो क्या हो रहा है डे टू डे लाइफ में, इनॉर्मस इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि इसके इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही ऑलमोस्ट बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरीके। तो इसी कारण से हमारा क्या हो रहा है, ये हमारे लाइफ स्टाइल को बहुत ही चेंज कर रहा है, और साथ साथ हमारा रीशेप कर रहा है, नए तरीके से हम लोग जीने का तरीका सीख रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अबाउट द डेफिनेशन के बारे में कि कंप्यूटर होता क्या है, स्लाइटली मूव करेंगे हम उसके ऊपर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म द डाइवर्स ऑपरेशन, क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, बहुत सारा उसके अनुसार से आपको क्या करना होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, और देन आफ्टर उस डेटा के ऊपर वो क्या करता है, कंप्यूटर प्रोसेस का काम करता है, एंड अकॉर्डिंग टू योर डिजायर रिक्वायरमेंट इट विल गिव द रिजल्ट एज योर डिजायर रिक्वायरमेंट। जो भी डिजायर आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको, आप जिस तरह से डाटा उसको फीड करते हैं उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करता है, वो कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है। आगे अगर हम मूव करें तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली हमारा मेन दो चीज़ें मिलकर बनता है, दैट इज द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में, देन आफ्टर मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द सॉफ्टवेयर। तो ये कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ द नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिलकर बने होते हैं, विच आर कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जब एक दूसरे से वो कनेक्ट होता है तभी जाकर के कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ये क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ द बोथ हार्डवेयर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दो कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर होते हैं जो कि जिससे मिलकर बना हुआ होता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो बनता है। हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक अ कंप्यूटर सिस्टम। जो भी कंप्यूटर सिस्टम हमारा जो बनता है वो जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें वो क्या होता है, हमारा हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें अगर हम मॉनिटर, सीपीयू, ये सारे के सारे क्या है, हमारे हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना, एक हमारा हार्डवेयर है, दूसरा हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉफ्टवेयर क्या होता है, और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैं डिस्कस करूंगा, और मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर के क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल्स हैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।